ठीक आज से 10 साल पहले 28 साल के बाद जीता था टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच हुए साल 2011 2 अप्रैल की तारीख के फाइनल मुकाबले को कौन सा क्रिकेट प्रेमी भूल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आज बात करेंगे 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के बारे में। क्या कुछ सस्पेंस हमें उस मुकाबले में देखने को मिला था और किस प्रकार से युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी आखिरी समय तक मौजूद थे जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए वो विनिंग रन बनाई थी, यानी कि जो महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकला था एक शानदार छक्का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपनी इस खास वीडियो में। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि हम आपके सामने रखने वाले हैं वो स्कोर कार्ड जो टीम के फाइनल मुकाबले में खेला गया था, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्यों उस मुकाबले में 2 बार टॉस किया गया था। ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो सचमुच आप सभी को पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि उस समय टीम इंडिया के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक उससे 28 साल पहले टीम इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था और 28 साल बाद जीता था दूसरा वर्ल्ड कप साल 2011 2 अप्रैल की तारीख को। अब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम में दोस्तों जिन लेजेंड खिलाड़ियों के नाम थे वो सचमुच लेजेंड ही थे दोस्तों, क्योंकि उसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसी ओपनिंग थी, तो गौतम गंभीर, सुरेश रैना जैसे मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए खिलाड़ी थे। उसके बाद जो नंबर 3 पर अब बल्लेबाजी करते विराट कोहली, वो तब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे जैसा एक समय पर सुरेश अय्यर करते थे। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली के बाद युवराज सिंह थे टीम में, फिर हरभजन सिंह, जहीर खान, मुनाफ पटेल, श्रीशंत और हमारे टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो थे ही। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से टीम इंडिया ने इतिहास रचा था। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों वो कहानी टॉस की जो सचमुच अपने आप में ही दिलचस्प किस्सा था। कहा जाता है दोस्तों वैसे तो गली क्रिकेट में सिक्के से कम किसी पाउच पर या हिंदी या इंग्लिश पर जो लिखा होता है हम उसको छाल कर अपना फैसला कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, पहले गेंदबाजी कौन करेगा। लेकिन अगर ये टॉस किसी के शरीर से भी लग जाता है तो फिर दोबारा किया जाता है। लेकिन ऐसा ही अगर इंटरनेशनल मैचेस में हो जाए तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ था दोस्तों, विश्व कप जैसे विशाल टूर्नामेंट के फाइनल में हो तो आप क्या कहेंगे। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अच्छी ये बात है कि टीम या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कोई परेशान नहीं हुई तब, क्योंकि 2 बारी जब टॉस हुआ तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि फाइनल मुकाबला था। हर कोई चाहता था कि निर्णायक मुकाबला एकदम सही ढंग से हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि मैच के बाद अगर कोई टीम जीते तो उसके खिलाफ ये बोला जाए कि इसने तो टॉस में ही चीटिंग कर दी थी। दरअसल दोस्तों विश्व कप 2011 के फाइनल के लिए मैच रेफरी जेफ क्रो, भारतीय कप्तान एम एस धोनी और श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा के साथ टॉस प्रेजेंटर पिच पर टॉस के लिए आए थे। एम एस धोनी ने सिक्का हवा में उछाला, लेकिन खचाखच भरे मुंबई के स्टेडियम में फाइनल की वजह से इतना शोर था कि वहां पर पता ही नहीं चला कि दोनों कप्तानों में से किसने हेड बोला किसने टेल बोला। अब ये सुन नहीं पाए तो ऐसे में ये फैसला हुआ कि दोबारा से टॉस किया जाएगा। तो उस मुकाबले की बात करें तो दोस्तों 2 बार टॉस फेंका गया जिसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मैच रेफरी ने लगभग 33,000 लोगों की एक साथ गूंज के बीच वो आवाज़ सुनी और श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा की आवाज़ हेड टेल या नहीं सुनाई दी, जिसकी वजह से दोबारा टॉस खेला गया। दोस्तों वो वानखड़े मुंबई स्टेडियम बहुत खचाखच भरा था, कई सारे फिल्म सेलिब्रिटी भी मौजूद थे। जब टॉस उछाला गया तो किसी को सुनाई नहीं दिया हेड या टेल बोला। अब ऐसे में सबके चेहरे पर ये सस्पेंस था कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हमने देखा पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे श्रीलंका के बल्लेबाज, जहाँ पर उपल थरंगा, तिलक रत्न दिलशान, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने जैसे कई खिलाड़ी मौजूद थे। और उस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में एकमात्र शतकीय पारी महिला जयवर्धने के बल्ले से आई थी जब पहली पारी की बल्लेबाजी कर रही थी श्रीलंकाई टीम। तब उन्होंने 88 गेंदों में सिर्फ, जी हाँ दोस्तों, महज 88 गेंदों में 103 रन की पारी खेली थी। वो फाइनल मुकाबला था, काफ़ी टक्कर का मुकाबला था। हमने देखा था किस प्रकार से बाकी सभी खिलाड़ी नाकाम साबित हुए थे, लेकिन अकेले दम पर महिला जयवर्धने ने दोस्तों पहली पारी में खेलते हुए 274 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनवाया था टीम श्रीलंका का। वो टीम श्रीलंका का रिकॉर्ड अपने आप में ही काफ़ी दिलचस्प रहा। तब गेंदबाजी की बात करें दोस्तों, सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी उस समय युवराज सिंह और जहीर खान ने। आप सोच रहे होंगे युवराज सिंह तो ऑलराउंडर है, लेकिन दोस्तों उन्होंने उस समय बल्ले से भी और गेंद से भी दोनों अपने तरीके से कमाल दिखाया था। जहीर खान ने 10 ओवर में 3 ओवर मेडन डाले थे, 60 रन दिए थे लेकिन 2 विकेट भी झटकी थी। तो युवराज सिंह ने 10 ओवर कराए थे, 49 रन दिए थे, 2 विकेट ली थी। इसके अलावा हरभजन सिंह ने भी 1 विकेट चटकाया था। ऐसे करते हुए 5 विकेट गिरी थी और 1 रन आउट हुआ था। लेकिन दोस्तों यहां पर अब 274 जितना बड़ा लक्ष्य खड़ा हो गया था 6 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद हमने देखा जब टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उनके सामने एक विशाल लक्ष्य था। विशाल लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान पर थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग।
वीरेंद्र सहवाग को दोस्तों आप जानते होंगे, अगर आप उनको कई सालों से फॉलो कर रहे हैं तो वो पहली दूसरी गेंद से ही छक्का चौका लगाना शुरू कर देते हैं। तभी हमने दोस्तों यही देखा, उनकी मंशा साफ थी कि वो शुरुआत वैसे ही करें धाकड़ पारी के साथ, लेकिन दूसरी ही गेंद थी ओवर की और सामने थे सबसे घातक गेंदबाज लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने गेंद ऐसी फेंकी कि जाकर LBW आउट हो गए वीरेंद्र सहवाग। सन्नाटा पसर गया पूरे मैदान पर, क्योंकि वहां पर दोस्तों गूंज हो रही थी वीरेंद्र सहवाग के छक्के के लिए। लेकिन जैसे ही विकेट गिर गई, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, पहली विकेट इतनी जल्दी गिर जाए तो हर किसी के लिए सस्पेंस रहता है कि आगे क्या होगा। लेकिन दूसरा छोर अभी सचिन तेंदुलकर ने संभाल के रखा था। सचिन तेंदुलकर जानते थे ये फाइनल मुकाबला है, इस फाइनल मुकाबले में अगर रन नहीं बनाया तो कब बनाया। सपना था दोस्तों, जब 16 साल की उम्र में बल्ला थामे मैदान पर आए थे तो उनका यही सपना था कि कपिल देव की तरह ही एक समय टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे, तभी ये अपने संन्यास के बारे में सोचेंगे, वरना उससे पहले कभी नहीं। तो हमने देखा, लेकिन सचिन तेंदुलकर भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। सिर्फ 14 गेंदों में 18 रन बनाए थे दोस्तों उन्होंने, दो चौके उनके बल्ले से आए थे। तब बॉलर मलिंगा ने अपने एक बार फिर से कमाल दिखाया और बहुत तेज गेंद डालते हुए कैच उठवा दी और पीछे खड़े विकेटकीपर संगकारा के ग्लव्स में सुरक्षित कैच गई। अब माहौल एकदम शांत था, क्योंकि सचिन और वीरेंद्र सहवाग मैदान में वापस लौट चुके थे पवेलियन के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिम्मा संभाला टीम इंडिया के सबसे गुस्सेल इंसान कह सकते हैं गौतम गंभीर ने। कई मौके पर उन्हें हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से लड़ते हुए देखा है, कई मौके पर विराट कोहली से IPL में लड़ते हुए देखा है। तो गौतम गंभीर ने एक छोर को संभाल के रखा, अंत तक संभाल के रखा। लेकिन दोस्तों उन्होंने 122 गेंदों पर तब 97 रन की, यानी कि 97 रन की पारी खेली थी। ये हाईएस्ट रन की पारी थी टीम इंडिया की तरफ से। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 91 यानी कि 91 रन की पारी खेली थी। लेकिन जो दोनों अलग अलग मौके पर थी, जब एक तरफ विकेट गिर रही थी तो गौतम गंभीर ने छोर को संभाल के रखा, तब उन्होंने रन बनाना शुरू करा। धीमी गति से रन बनाया, लेकिन रन बनाया, क्योंकि ओवर बचे थे और ज़्यादा बड़ा लक्ष्य भी नहीं था। 300 गेंद में आपको 274 रन चेस करने थे, ज़्यादा जल्दी बाजी नहीं करी यहाँ पर गंभीर ने। दूसरे छोर पर हमारे टीम इंडिया के हालिया कप्तान विराट कोहली आए, 49 गेंदों पर 35 रन ही बना पाए थे विराट कोहली। बहुत बड़ा मुकाबला था, अगर यहाँ पर भी उनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी प्लस रन आते तो यहाँ पर विराट कोहली का नाम काफ़ी होता। लेकिन विराट कोहली 49 गेंदों पर 35 रन बना पाए, तब दोस्तों ये युवा बल्लेबाज थे, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी नहीं की। लेकिन पीछे खड़े दिलशान ने ही इनकी कैच पकड़ ली और गेंदबाजी भी वही कर रहे थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आए, तब दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बीच एक पार्टनरशिप बनती। उस पार्टनरशिप ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि टीम इंडिया का स्कोर जो चेस कर रही थी वो बहुत छोटा लगने लगा। जहां 79 गेंदों पर यानी कि 79 बॉल्स पर 91 रन की धाकड़ पारी खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने 8 चौके 2 छक्के लगाए थे उस मुकाबले में। 115 के स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की थी और अपने आप को प्रूव कर दिया कि क्यों ये टीम इंडिया के कप्तान हैं। और जब गौतम गंभीर दोस्तों एक भयानक तरीके से रन आउट हो गए थे, हमने देखा था किस प्रकार से बॉलर परेरा की गेंद पर ही आउट हो गए थे, तो यहाँ पर चारों तरफ माहौल एकदम शांत हो गया था, क्योंकि उसके बाद युवराज सिंह और सुरेश रैना बचे थे। लेकिन यहाँ पर गंभीर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, सबकी उम्मीद थी कि इनकी शतकीय पारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 97 पे ये खिलाड़ी आउट हुआ था। अब युवराज सिंह ने गौतम गंभीर के आउट होने के बाद पूरा मैदान संभाला महेंद्र सिंह धोनी के साथ। 24 गेंद पर 21 रन की पारी युवराज सिंह ने खेली बहुत ठंडे दिमाग से, क्योंकि वो जानते थे अब जितनी गेंद बची है उतने ही रन बनाने हैं और महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से कमाल दिखा रहे हैं तो बहुत तेजी से रन बनाएंगे। ऐसे में जितनी तेजी से रन बनेगा टीम इंडिया उतनी तेजी से वर्ल्ड कप की जीत करीब और जाएगी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने दोस्तों वो 11 गेंदों में 4 रन बचे थे तब छक्का लगा के जिस प्रकार से जीत दिलाई थी वो अभी तक याद है। 48वें ओवर की दूसरी ओवर पर ही चेस कर लिया था टीम इंडिया ने ये स्कोर 277 4 विकेट के नुकसान पर। तो ये थी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की पूरी स्कोर कार्ड, किस प्रकार से तब किस गेंदबाज ने किस बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया। बात करें श्रीलंका के सबसे घातक गेंदबाज कौन साबित हुआ था उस मुकाबले में, वो थे लसित मलिंगा। उन्होंने 2 विकेट लिए थे दोस्तों सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की। अगर उस समय पर गौतम गंभीर या महेंद्र सिंह धोनी मैच को नहीं संभालते तो बहुत दिक्कत हो जाती, फाइनल मुकाबला हाथ से निकल जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहते हैं किस्मत साथ थी, उस समय इंडिया में मुकाबला हो रहा था और इंडिया जब जीती तो सबका दिल खुश भी हो गया था। यही खासियत है दोस्तों इस मैच की कि अभी तक सभी के जहन में यादें ताज़ा हैं। नेक्स्ट 90 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट 8 मिनट।